हेलो गाइस, दिस इज मी नीरज एक्का एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल NEK ब्लॉग्स में। सो गाइस, मैं इंट्रो देना भूल गया था शायद। तो अभी हम निकल चुके हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए और अभी हम DND में हैं। मौसम हो रहा है सुहाना और मेरे साथ है मेरे दोस्त भाई लोग। तो चलो मौसम का इंजॉय करते हैं और पहुँचते हैं बायोडाइवर्सिटी और थोड़ा सा मज़े करते हैं। अगर संडे है तो संडे के दिन कुछ करना नहीं होता घर में, छोटे मोटे काम होते हैं तो निपटा के हम लोग निकल चुके हैं छोटे से राइड पे। 10 बजे के करीब निकल गया था मैं, बट डेस्टिनेशन चूज़ करते करते हमें टाइम लग गया। मतलब कि हम लोग डिस्कस करते करते टाइम लग गया। हमारे साथ हम एक और बंदा आने वाला था, जो कि हमारे साथ विनोद भी आने वाला था, बट विनोद ने कर दिया मना और हम निकल चुके हैं सिर्फ अपन भाई लोग। तो चलते हैं और ये हम पहुंच चुके हैं DND, क्रॉस करेंगे यहाँ से। तो ये हम एंटर कर चुके हैं दिल्ली और दिल्ली में आप सबका स्वागत है। तो बहुत अच्छा मौसम है भाई लोग, बहुत अच्छा। 1.5 ईयर रिव्यू जो था मेरे बाइक का, वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करें और अच्छा ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक करें, बिकॉज दोनों ही केसेस में आपकी मर्ज़ी है आप लोगों को लाइक या डिसलाइक करना। जैसे कि आप देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, ये है यमुना नदी और बहुत अच्छा नज़ारा हो रखा है यहाँ पे। अभी इस टाइम में संडे में इस टाइम में थोड़ा बहुत ट्रैफिक नहीं रहता है, बट इवनिंग में हाँ थोड़ा बहुत आपको ट्रैफिक मिलेगा। बट अभी मुझे तो मज़ा आ रहा है बहुत बाइक चलाने में। शायद आगे एक चेक पॉइंट मिलेगा, बिकॉज जब मैं अमृतसर जा रहा था तब हमें एक चेक पॉइंट मिला था आगे, उससे पहले कोई चेक पॉइंट नहीं है। तो अभी तो वैसे फ़िलहाल लॉकडाउन खुल चुका है, संडे यूपी में लॉकडाउन है, बाकी दिल्ली में तो लॉकडाउन नहीं है। तो आप दिल्ली में कहीं भी घूम सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये चीज़ सही है। वैसे भी कोरोना के टाइम में देखो अभी मेट्रो भी चालू हो गया, तो आप लोग भी मेट्रो के मज़े ले रहे होंगे। जो ये मेरे राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं FZ, ये 2014 का मॉडल है और इसे चला रहा है अगस्टिन। और ये जो आगे FZ 2.0 है, जो कि 2016 का मॉडल है, तो इसे चला रहा है अर्पण। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, बिकॉज हम तो मौसम के मज़े लेते हुए जा रहे हैं। तो गाइस, जब तक हम आगे पहुंचते हैं मैं आप लोगों से आगे मिलता हूं और तब तक आप ये सॉन्ग एंजॉय करो। मौसम सही था, अभी अचानक से धूप हो गई तो बिल्कुल ही ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी से लग रही है। हेलमेट लगा के दिल्ली में रेड लाइट क्रॉस करना मतलब चालान। अभी हर जगह पे कैमरे लग चुके हैं तो अभी हम लोगों को बिल्कुल सावधान होकर चलाना पड़ रहा है। अब अगर आपने रेड लाइट क्रॉस किया तो आपका चालान घर पे ही आएगा। अभी यहाँ से लाडो सराय से ज़्यादा दूर नहीं है,
हम अभी कर चुके हैं 30 किलोमीटर, जब से मेरे घर से अभी तक 30 किलोमीटर में ट्रैवल कर चुका हूँ। तो ये हम पहुंच गए हैं अभी सुल्तानपुर। अर्जनगढ़ तो फाइनली अपना डेस्टिनेशन अब दूर नहीं है। अर्जनगढ़ से जो जो एरिया है वो ज़्यादा दूर नहीं है। सो गाइस, मैं अभी पहुंच चुका हूँ बायोडाइवर्सिटी, और अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं और 1 घंटे के करीब है जिस जब ये बायोडाइवर्सिटी खुलेगा, तब हम अंदर जाएंगे, फिर देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। मैंने मास्क लगा रखा है क्योंकि मैं अभी अपने दोस्तों के साथ हूँ। तो शायद हम यहाँ पे रुकेंगे 6 साढ़े 6 बजे तक, बिकॉज़ ये शायद 8 बजे तक बंद हो जाता है। अभी अंदर जाके पता चलेगा कब तक बंद होता है, बिकॉज़ जब हमने किसी से पूछा था, मेरे फ्रेंड से, तो उसने बोला था कि ये 8 बजे तक बंद हो जाता है। तो अभी कन्फर्म नहीं है, अभी हम मिलेंगे, अंदर जाएंगे, गार्ड से पूछेंगे कि कब तक ये बंद होता है। तो गाइज, मैं अभी बायोडाइवर्सिटी के अंदर हूँ और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा दिखता है।